इसराइल हमास युद्ध को लेकर दुनिया दो धड़ों में बटी हुई दिख रही है। एक तरफ अमेरिका की अगुवाई में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश इसराइल के साथ खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमास के पाले में यमन, लेबनान, चीन और रूस जैसे देश खड़े हैं। रूस शुरुआत से ही हमास के नेताओं की मेजबानी करता रहा है। यहां तक कि युद्ध शुरू होने के बाद हमास का एक प्रतिनिधि मंडल रूस की राजधानी मॉस्को गया था, जहां पर उन्होंने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ सीधी मुलाकात की थी। रूस खुले तौर पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश की वकालत करता आया है, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव और ज्यादा बढ़ाकर अमेरिका की ताकत को कम करना चाहता है। और रूस मिडिल ईस्ट में यमन के हूती, लेबनान के हिजबुल्ला और ईरान के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। कई ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जिनमें ये दावा किया गया है कि रूस के हथियार ईरान से होते हुए हूती और हिजबुल्ला और हमास तक पहुंचे हैं। और अब इसी कड़ी में रूस के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि वैसिली नेबेंजिया ने यमन के हालातों को लेकर अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों को जमकर लताड़ लगाई है। वैसिली का कहना है कि अमेरिका और उसके सहयोगी यमन में तनाव को कम करने के बजाय उसे और भड़काने में लगे हुए हैं। रूसी प्रतिनिधि वैसिली ने यूएनएससी की एक मीटिंग के दौरान कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ताकत के दम पर अमेरिका और ब्रिटेन की अगुवाई में यमन के खिलाफ हमला कर रहे हैं, जो अब बेनकाब हो चुका है। कुछ देश हालातों को शांत करने के बजाय ताकत के दम पर आग में घी डाल रहे हैं। पश्चिमी देशों को गाजा में युद्ध खत्म करने और यमन के भीतर समझौता करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रूस के राजदूत ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन के यमन पर हमला करने के करीब 6 महीने बाद भी वो यमनी सशस्त्र बलों की ताकत को कम नहीं कर पाए हैं। हूती का तेल अविव में ड्रोन हमला इसका सीधा सबूत है। हकीकत में हूती की क्षेत्रीय उपस्थिति और मजबूत हुई है। उसने जहाजों पर हमले बढ़ाए और तेल अविव में हमले के बाद उसकी लोकप्रियता और बढ़ गई है। आपको बता दें, हूती ने तेल अविव पर 19 जुलाई 2024 को एक ड्रोन हमला किया था। इसके अगले दिन इसराइल ने 20 जुलाई 2024 को यमन के होदेदा बंदरगाह पर एक बड़े तेल डिपो पर हवाई हमला किया था। और रूसी राजदूत का कहना है कि ये घटना सीधे गाजा के हालातों से जुड़ी हुई है। गाजा और लाल सागर में जो हो रहा है वो स्पष्ट रूप से इससे जुड़ा है। रूस का कहना है कि पश्चिम द्वारा इसराइल को आंख बंद करके मदद देना पूरी तरह से गलत है। इसकी वजह से यमन के भीतर मानवीय हालात खराब होते जा रहे हैं और इससे यमन के कृषि क्षेत्र पर भारी मार पड़ी है। आपको बता दें कि जब यूएनएससी में रूस ने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोला तो चीन भी उसकी हां में हां मिलाने लगा। यूएनएससी में चीन के राजदूत फू कोंग का कहना है कि चीन यमन के ऊपर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को पूरी तरह से लागू करने और गाजा में तुरंत युद्ध विराम की मांग करता है। आपको बता दें कि चीन के राजदूत फू कोंग ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि लाल सागर के हालातों के खराब होने का कनेक्शन गाजा युद्ध से जुड़ा हुआ है, इसलिए फिलिस्तीन इलाके में तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए।